वेलकम बैक। मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। राष्ट्रीय जनता दल राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव को आज चारा घोटाले के डोरंडा केस में दोषी ठहराया गया है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में 36 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव पर सजा का ऐलान अब 21 फरवरी को किया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो को कोर्ट की ओर से दोषी करार देते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके वकील ने जेल न भेजकर रिमेस में भेजने के लिए आवेदन दे दिया है। इस पर अदालत दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई करेगी। यह मामला डोरंडा कोषागार से 129 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। आइए बताते हैं इस घोटाले की दिलचस्प कहानी, जिसमें स्कूटर गाय सांड की स्क्रिप्ट लिखकर जांच को भटकाने की कोशिश की गई थी। दरअसल डोरंडा कोषागार घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोने की कहानी शामिल है। यह मामला 1990 से लेकर 1992 के बीच का है। अफसरों और नेताओं ने फर्जीवाड़ा की नई कहानी लिख डाली। फर्जीवाड़ा कर बताया गया कि 400 सांड को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया। यानी घोटाले में जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशु को लाने के लिए दर्शाया था, वे मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर निकले। सीबीआई ने जांच में पाया कि कई टन पशु चारा, पीली मकई, बादाम, खली, नमक आदि ढोने के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड का नंबर दिया गया था।